हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ 18 अप्रैल। 18 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू फोक डांस हैज क्रिएटेड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसने एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आसाम। नाउ ऐसा क्या किया, बिहू डांस परफॉर्मर्स ने बेसिकली एक इवेंट में, एक सिंगल वेन्यू में 11,000 डांसर्स एंड ड्रमर्स ने एक साथ ही परफॉर्म किया एंड इसी को रिकग्नाइज किया गया एंड इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया। तो इतना सा आपको याद रखना है, बिहू फोक डांस है आसाम का। आसाम की एक इंपॉर्टेंट स्कीम अरुणोदय स्कीम का ना जरूर नाम आप याद रख लीजिएगा। आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो हैं हेमंता बिस्वा सरमा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट सूर्य अंशु इसका नाम है, हैज़ बिन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे लॉन्च कर दिया गया। इट कैन प्रोड्यूस द एनर्जी ऑफ 27 किलो वॉट। सो टूरिस्ट के लिए इसे ओपन कर दिया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल। तो नाम आप याद रखें, स्टेट तो आपको ऑफकोर्स याद रखनी ही रखनी है। एंड इस बोट का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सूर्यवंशु, जो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट। आगे बढ़ते। रिसेंटली द बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान ऑर्गेनाइज द कनेक्टिविटी इवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में कनेक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाएगी, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस कनेक्टिविटी इवेंट का ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हम तीनों कॉरपोरेशन के साथ ज़्यादा आगे बढ़ सकें, डेवलपमेंट कर सकें डिफरेंट 3 कंट्रीज़। ओके, तो ये तीनों आपस में, तीनों कंट्रीज़ का टाई अप है। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था त्रिपुरा में। इसे ऑर्गेनाइज करवाया था एशियन कन्फ्लुएंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको शिलोंग में मिलेंगे, जो मेघालय की कैपिटल है। ओके, तो देखो त्रिपुरा से आपको याद आ रहा होगा, अभी रिसेंटली ही आपको एक रिपोर्ट शेयर किया था, इसमें ई प्रोक्योरमेंट में ऑफ थ्रू जैम, जो गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस है जैम के थ्रू, ई प्रोक्योरमेंट में त्रिपुरा नंबर 1 पे था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते। रिसेंटली जो द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट प्रोडक्शन पब्लिक प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज ए पार्ट ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्डेड वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो वॉशिंगटन में हुई है। ओके, तो आपको बताना है कि हमारी इंडियन कंपनी है जिसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है कि इस कंपनी का नाम क्या है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की। देखो भारत बायोटेक ने दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो बनाई हैं, सबसे पहले तो इनकोवैक वैक्सीन जो इंट्रानेजल वैक्सीन है वो आपको याद रखनी है, एंड सेकेंड वैक्सीन जो हम सबको मैक्सिमम लगी है कोवैक्सीन। ओके, कोवैक्सीन, ये दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई। ओके, भारत बायोटेक बेसिकली 1996 में स्टार्ट की गई थी। इसके जो फाउंडर थे बेसिकली, इनका नाम डॉक्टर कृष्ण एला एंड इनकी जो वाइफ डॉक्टर सुचित्रा एला थी। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है भारत बायोटेक, इसको रिसेंटली सम्मानित किया गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना। आगे बढ़ते। रिसेंटली 2600 करोड़ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो भी आप याद रखें, इसकी फुल फॉर्म एक बार जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसे ओपन किया गया, बेसिकली इसे अप्रूव किया गया, इंडिया में अप्रूव किया गया। विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में इसे सेटअप किया जाएगा जो अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में ये ओपन होने वाली है, हिंगोली महाराष्ट्र में इसे ओपन किया जाएगा। एंड यू नो, इससे पहले ये इंडिया का फर्स्ट लीगो ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है। इससे पहले इस तरीके के ये लीगो सिस्टम इंडिया में पहले नहीं थे। अमेरिका में दो इस तरीके के सिस्टम्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं जो इंटरनेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हैं, बट इंडिया का ये फर्स्ट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, बेसिकली महाराष्ट्र के हिंगोली में इसे अप्रूव किया गया, यहाँ पर इसे बनाया जाएगा, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज की हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स आर देयर इन इंडिया। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया इसमें हमारे पास टाइगर्स कितने हैं। ओके, तो ये आपको बताना है। 2967 टाइगर्स 2018 के सेंसस तक थे, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारे टाइगर्स बढ़ चुके हैं। नाउ टोटल नंबर आपको अगेन आपको याद रखना है, थोड़े से नंबर्स आपको और याद रखने। सो 3167 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे पास राइट नाउ हुए, जो अभी रिसेंटली 2022 का ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है
ये आपको याद रखें। देखो इसी साल हमने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल भी पूरे किए हैं, वो भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। देखो हमारी इंडिया में ना काफ़ी टाइगर्स होते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे टाइगर्स अभी कम हुए। अगर मैं पहले बताऊं तो लगभग हमारे पास 40 से 50 हज़ार टाइगर्स होते थे। बट उससे पहले क्या हुआ, उस टाइम क्या होता था, जो हमारे राजा महाराजाओं का टाइम था, उनको ना शिकार वगैरह करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता था। इस वजह से टाइगर्स मरते गए मरते गए मरते गए, इससे टाइगर्स का नंबर कम होगा। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके देखो अभी एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया था, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो उसमें जो नंबर वन आया था वो परियार टाइगर रिजर्व केरल का था, वो नंबर वन पे आया था। परियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है वो आप याद रख लीजिएगा, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व, ये आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे ज़्यादा अगर नहीं, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो हमारे पास हैं वो हैं 54, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 54 टाइगर रिजर्व्स हमारे पास हैं। एंड यू नो इंडिया हैज़ 70% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इंडिया के पास टाइगर्स यहाँ पे तो इस नंबर से हमें कम लग रहे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो इंडिया के पास 70% टाइगर्स हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने कम नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे पास बचे हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट, एंड टाइगर से मुझे चीता याद आ रहा है, नामीबिया से हमने चीते लिए हैं अभी रिसेंटली, एंड साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारा समझौता हुआ है टाइगर्स के लिए, ओके चीता के लिए बेसिकली, ये आप याद रखें। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स प्रेजेंटली कितने हैं ये आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023, इससे पहले ये इंग्लैंड में हुआ था, ओके नाउ फॉर द सेकेंड टाइम, इसे बेसिकली ग्लोबली ये सेकेंड टाइम है, इंडिया में फर्स्ट टाइम है। कहाँ पे होगा ये आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेन्नई, चेन्नई में होगा 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023। इससे पहले लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में से ऑर्गेनाइज करवाया जा चुका है। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म डेट इंडिया रफेल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट इन एक्साइज ओरियन। तो ओरियन एक्साइज, ये एक्साइज है, आपको बताना है कि किस कंट्री के डिफेंस फोर्सेज इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रांस। देखो ये एक्साइज इंपॉर्टेंट है, ओरियन एक्साइज, इसमें मैक्सिमम नाटो कंट्रीज एंड डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हालांकि इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नाटो, अभी रिसेंटली फिनलैंड 31st मेंबर बना है नाटो का, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसमें इंडिया की तरफ से रफेल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, रफेल भी हमने फ्रांस से ही लिया है, जो एक कंपनी है जिसका नाम है डिसॉल्ट एविएशन, जो एक फ्रेंच कंपनी है जिसने जो रफेल बनाता है बेसिकली, ओके तो ये एक्साइज एक्साइज ओरियन, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो इंडिया की तरफ से इसमें रफेल पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, नाटो के कुछ इंपॉर्टेंट एक्साइज है जिसमें नेपट्यून स्ट्राइक का नाम आप याद रख लीजिएगा, लॉक शील्ड एक्साइज भी नाटो की है, एंड कोल्ड रिस्पॉन्स एक्साइज नाटो की है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। रिसेंटली अब जो द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकेम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो कौन सा कंट्री फाउंडिंग मेंबर बन चुका है बिग कैट अलायंस का, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ओके नेपाल इज द करेक्ट आंसर। यू नो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इसकी शुरुआत हमारे इंडिया द्वारा की गई थी, इसमें ये बेसिकली इसकी जो अगर मैं कहूँ कि मेंबरशिप ओपन है 97 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊंगा। देखो जिसको हम बड़ी बिल्ली अगर हम इसे हिंदी में कहें, देखो सबसे पहले आगे हमारी टाइगर, देन उसके बाद आपको मिलेगा लाइन, देन उसके बाद लेपर्ड मिलेगा, देन उसके बाद स्नो लेपर्ड मिलेगा, देन उसके बाद प्यूमा मिलेगा, देन उसके बाद जैगुआर मिलेगा, देन उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट वन इज चीता, ओके ये आप याद रख लीजिएगा। प्यूमा एंड जैगुआर को छोड़ के बाकी जो पांच मैंने बताई ये आपको इंडिया में मिल जाएंगी, प्यूमा एंड जैगुआर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता, ओके देखो चीता को अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, अभी आपको नामीबिया से मैंने आपको बताया, जो हमने कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसे इंट्रोड्यूस किया, ओके तो ये फाउंडिंग मेंबर बेसिकली अभी रिसेंटली जो बना है वो बना है जी नेपाल, ये आपको याद रख लीजिएगा। ओके नेपाल ने भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर लिया। जूस मिशन इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, जूस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके इसमें मैं एक ऑप्शन इंक्लूड करना भूल गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में आई विल करेक्ट इन द जो आपको PDF मिलेगी। देखो जूस मिशन बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, जूस इज रिलेटेड टू
जुपिटर, नॉट सजेस्टिंग इट्स फर्स्ट अल्फाबेट, यू कैन गेस, जे फॉर जुपिटर. ओके देखो, जूस मिशन टू स्टडी अबाउट द जुपिटर, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसे 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया बाई यूजिंग एराइन 5 रॉकेट फ्रॉम यूरोपियन स्पेस क्राफ्ट, जिसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया टू एक्सप्लोर अबाउट जुपिटर. तो ये आप याद रख लीजिएगा, जूस मिशन रिलेटेड आपसे पूछ सकता है. ओके ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके एनविजन मिशन भी हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है टू स्टडी अबाउट वीनस, वो आप याद रख लीजिएगा. सो गाइज ये हो गए जी आज के हमारे करंट अफेयर्स. नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली ट्रोपोग्राफी कमीशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन टेम्पो इंस्ट्रूमेंट जो ट्रैक करेगा एयर पोल्यूशन, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है. सो गाइज विद दिस हमारा आज का काम खत्म. उम्मीद करूँगा वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं. वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना जरूर, यू लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे आइडिया लग जाता है अबाउट यूर कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लग रहा है. थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.